सब्सक्राइब कीजिए देसी गर्ल आसिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल देसी गर्ल आसिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक हेयर मास्क जो आपके बालों को बहुत हेल्दी रखेगा, मैनेजेबल रखेगा और आपके बाल जो टूटते हैं टूटने से भी बचाएगा आपके बालों को। मतलब हमारे बालों को चाहिए होती है प्रोटीन, जैसे हमारे को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है ऐसे हमारे बालों को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। तो इसीलिए मैंने एक हेयर मास्क बनाया है जो पूरा मतलब बहुत अच्छा हेयर मास्क है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटीन प्रोवाइड कराएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेयर मास्क की रेमेडी आप सबसे पहले देख लो क्या क्या हमें हेयर मास्क में चाहिए, उसके बाद में इसे अप्लाई करती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए दो बनाना जो पूरी तरह से पके हुए हैं, पके हुए बनाना लेना है आपको। एलोवेरा जेल लेना है, मैंने यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ वेज मेयोनी ली है, आप चाहो तो एक मेयोनी भी ले सकते हो, वो ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद आपको एक मिक्सर के जार में बनाना को डाल लेना है, उसके बाद आपको लेना है एक चम्मच एलोवेरा जेल और वो भी इसमें ऐड कर लेना है। एक चम्मच आपको लेना है मेयोनी, तो मैंने यहाँ जो बनाना लिए वो दो लिए क्योंकि मेरे बाल लंबे, अगर आपके बाल छोटे तो आप एक बनाना भी ले सकते हो। उसके बाद हमें इसे मिक्सर में पीस लेना है, ऐसे पेस्ट बन गया है उसका, बहुत स्मूथ पेस्ट बनाना है, कोई लम्स नहीं रहे इसमें, बहुत अच्छा पेस्ट बना लेना है जैसे मैंने यहाँ बना लिया है। तो आप आई होप रेमेडी देख चुके हो हमें क्या क्या चाहिए इस हेयर मास्क को बनाने के लिए। तो हेयर मास्क हमारा बन चुका है, जैसे ये आपके सामने है हेयर मास्क हमारा और ये बाउल में आ चुका है, एक छोटी सी कटोरी में आ चुका है ये। उसके बाद हमें एक चाहिए दुपट्टा, या आप कोई पुरानी टी शर्ट पहन लीजिए क्योंकि ये अगर हमारे कपड़ों पर भी गिर सकता है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन फिर भी हम चाहें तो मैं अभी एक दुपट्टा लेकर अपने रैप कर लूँगी सीधा सा। और हाँ, आपको चाहिए एक शावर केप, अगर वो भी ना हो तो एक पॉलोथीन सिंपल आप ले सकते हो जैसे मैंने ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरे हेयर्स देख लो कैसे हो रहे हैं फिलहाल, अभी तो देख रहे हो आप। चलिए अब हम सबसे पहले इसे अप्लाई, आप इसकी कंसिस्टेंसी एक बार देख लो कितना ये स्मूथ, इतना स्मूथ पेस्ट बनाया मैंने, तो आपको भी इसी तरह स्मूथ पेस्ट बनाना है। और उसके बाद आपको अपने स्कैल्प पे इसे अप्लाई करना है जैसे मैं कर रही हूँ। इस हेयर मास्क से आपके बाल बहुत शाइनी, सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे गाइज, आप इसका रिजल्ट देखोगे। जब मैं इसे वॉश करूंगी आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। और अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो लाइक शेयर और कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो चैनल पे न्यू है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ब्यूटी एंड हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगी, सो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना। और हमें इसके इसे रूट्स पे भी इसे अप्लाई करना है। तो ये देखिए हेयर मास्क हमारा लग चुका है। अब आपको क्या करना, मैंने लिया है एक ये कॉम लिया है मैंने, ये ऐसा वाला लिया है कॉम, आप भी ऐसा ही लीजिएगा, वो बारीक वाला कॉम मत लीजिएगा वरना आपके बाल बहुत टूटेंगे। उसके बाद आपको सिंपल सिंपल हल्के हल्के अपने
बालों पे इसे कॉम्ब कर लेना है, हल्के हाथ से करना क्योंकि बाल बहुत टूटेंगे, क्योंकि बाल हमारे हो चुके हैं पूरी तरह से गीले, तो वेट बाल आपको पता है टूटते भी बहुत हैं। तो बहुत आराम आराम से आप इसको करिएगा, बहुत आराम आराम से। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बहुत आराम आराम से आपको इसे करना है। स्कैल्प पे आपको हल्के हाथ से ऐसे पीछे लेके जाना है, मसाज टाइप में, बस ऐसे, ये देखिए। और उसके बाद आपको अपने बालों में को ऐसे रखना है, फिर जूड़ा नहीं बना रही क्योंकि जूड़ा बहुत वैसा हो जाएगा बारीक, बस हमने सिंपल ऐसे अपने बालों को रख लेना है, बस हो गया। उसके बाद हमें लेना है ये एक, मैंने ये लिए पॉलिथीन ली है मैंने छोटी सी, और इसे हमें ये देखिए, चलिए हो गया। अब आपको इसे रखना है सिंपल आधा घंटे, सिर्फ आधा घंटा आपको इसे रखना है और जाके बालों को वॉश कर लेना है। तो मिलती हूँ मैं आपको आधे घंटे बाद। सो गाइस, हाजिर हूँ आपके साथ। मैंने अपने बालों को कर लिया है वॉश और आप मेरे बालों में ये जो शाइन है देख सकते हो, ये देखो मेरे बालों की शाइन। और मेरे बाल कितने स्मूथ, सिल्की एंड सॉफ्ट हो गए हैं, मैं आपको मतलब ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कैसे करूँ, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ, वो मैं महसूस आपको तो मैं करा नहीं सकती, पर मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। और इस हेयर मास्क की एक खासियत और है कि अगर आप वीक में वन टाइम यूज़ करना ही करना है, ये आपके बालों को एक हेल्दी बनाएगा, आपके बालों को प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, और बहुत अच्छा ये हेयर मास्क है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं गाइज, आप फर्स्ट यूज़ में मुझे खुद बोलोगे कि हाँ, मेरे वीडियो पे फिर कमेंट करने ज़रूर आओगे कि हाँ फर्स्ट टाइम हमने इसे यूज़ करा था, वाकई बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। जब मैं इसे वॉश कर रही थी बालों को, मेरे बाल इतने स्मूथ लग रहे थे ना, आप इसका फ़र्क तब देखोगे जब आप इसे लगा लोगे, जब वॉश करने जाओगे आप अपने बालों को धोओगे ना, तो ऐसा लगेगा आपने अपने जब हेयर्स जो है ना उन बालों में कंडीशनर लगा रखा है, आप उसे धोते जाओगे, जिसे कंडीशनर हमारे ऐसा लगता है ना बालों से निकल ही नहीं रहा, इतने स्मूथ सिल्की आपको तभी फील आ जाएगा, बाल धोते धोते में आपको वॉश टाइप के टाइम ही फील आएगा कि हाँ मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की हो चुके हैं और काफ़ी शाइनी भी होते हैं। जैसे कि आप मेरे हेयर्स देख रहे हो, मेरे हेयर बहुत डल हो रहे थे, अब देखो कितने शाइनी हो गए हैं, ये देखो मेरी बालों की शाइन आप देख ही सकते हो, और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, ये देखो गाइस बहुत ही स्मूथ हो गए हैं। और ये आपकी हेयर ग्रोथ अच्छा करेगा, अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो वही डैंड्रफ को भी क्लीन करेगा, आप देख ही सकते हो, ये देखो मेरे बालों में आपको अब डैंड्रफ नहीं मिलेगा,
जैसे मेरे डैंड्रफ हो रहा था, अब मैंने इसे यूज़ कर लिया है तो अब मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं है। तो इससे डैंड्रफ भी आपका रिमूव होगा आपके हेयर्स का। और वन टाइम आपको वीक में इसे लगाना है, और वन से टू टाइम भी लगा सकते हो, लेकिन वन टाइम आपको इसे लगाना ही लगाना है। तो ये हेयर मास्क बहुत अच्छा है, आप भी इसे एक बार ट्राई करो और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो। ये एक होम रेमेडी आप देख ही चुके हो कि इसमें मैंने बहुत ही नेचुरल सी चीज़ें यूज़ करी हैं। बनाना लिया था, एलोवेरा जेल, मेयोनी, जो आपके घर पर आराम से अवेलेबल होगा हर किसी के घर पर। अगर मेयोनी नहीं मिले आपको तो आप एक एग डाल लेना, वो इसके लिए काफ़ी होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और हेल्पफुल रहे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा मेरे लिए। और जो मेरे चैनल पे न्यू है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बराबर में बेल बटन भी आ रहा होगा तो उसे दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। गाइस बहुत मेहनत लगती है मुझे वीडियो बनाने से लेके एडिट करने से सब चीज़ में, यार बहुत मेहनत लगती है सच में। आप लोग अगर मेरी मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, आपके बिना तो मैं कभी आगे नहीं जा पाऊँगी। सो आपका सपोर्ट मेरे लिए, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है गाइज। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा और काफ़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे आपके लाइक से, कमेंट से पढ़ पढ़ के, तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह प्यार देते रहिए। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।